मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौरक्षक है इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। देखिए, सृष्टि में संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आग है तो पानी होना है, नर है तो नारी है, यिन है तो यांग है, स्वर्ग है तो नर्क है, सुख है तो दुख है, गीता है तो सीता है, सरकार है तो विपक्ष है। लेकिन यहां एक छोटी सी समस्या, अगर सरकार इतनी मजबूत हो जाए उसके सामने कोई टिक ना पाए तब क्या होगा? जब पक्ष के पास सारा पैसा, सारा मीडिया, सारा नैरेटिव हो तो विपक्ष क्या करेगा? नेचर में बैलेंस कैसे होगा? और यहां तो और भी संकट है, मोदी जी को तो कई लोग साक्षात भगवान मान चुके हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। इसीलिए लगता है कि मोदी जी को बैलेंस करने के लिए, नेचर में बैलेंस रिस्टोर करने के लिए, मोदी जी को काटने के लिए मोदी जी खुद आ गए हैं। जी हां, आज मोदी जी का सबसे बड़ा ऑपोजिशन मोदी ही है। इनफैक्ट इस एपिसोड के खत्म होने तक आपको लगेगा कि हमारे देश में एक नहीं बल्कि दो दो मोदी हैं। जी हां, एक पॉजिटिव मोदी जो देश के संविधान, शांति, नागरिकों के हक के बारे में बात करते हैं, और एक नेगेटिव मोदी जो माइट इज राइट, मेजॉरिटी रूल, ब्रूटल फोर्स में यकीन रखते हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से क्या सिर्फ एक मोदी असली है, या अगर दो मोदी हैं तो कौन सा मोदी भारी है, कौन सा मोदी लाइटवेट है, कौन सा मोदी हार रहा है, कौन सा मोदी जीत रहा है? डेटा देखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के दो मोदियों में से ये जो टकरान चल रही है उसमें जीतेगा कब और जीतेगा कौन। क्योंकि देखिए, करीबन 400 सीटों पर इलेक्शन होने के बाद, मटन, मुगल, मंगल सूत्र के घमासान के बाद, अब पॉजिटिव मोदी हमें दिखे हैं। एक एटम बम गिरा दिया है रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में, पूरे देश इसके बारे में अब चर्चा कर रहा है कि ये क्या हो गया मोदी जी को। ये किसने आपको कहा कि जब गजारा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं, तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? अरे अरे, किसने कहा मोदी जी? आप ही ने तो कहा। अरे आपके जुड़वा नेगेटिव मोदी ने कहा है हमें ये बात। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब समझ में आ रहा है ये 18-18 घंटे मोदी जी जो काम करते हैं उसके पीछे राज क्या है। अरे रिटर, ये हमारे तरह ही हैं, 8-9 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन दो दो मोदी काम करते हैं तो हो गए 18 घंटे। आए अब नहीं मानते हो? अच्छा चलो ये सुन लो, मुसलमानों को आत्मचिंतन करने को कह रहे हैं ये वाले मोदी। कांग्रेस से क्या फर्क मिला है, क्या फायदा मिला है मुसलमानों को, कांग्रेस ने किया क्या है मुसलमानों के लिए, पूछ रहे हैं ये मोदी। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्म मंथन करिए। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए। सुन लिया, यकीन हो गया, टीवी में आया, इंटरव्यू आया। अब दूसरे नेगेटिव मोदी को सुनो, लोगों को डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि कांग्रेस उनका मंगल सूत्र ले लेगा, उनका सारा राशन ले लेगा, मुसलमानों को दे देगा। ये वाला मोदी तो कह रहा है कि कांग्रेस का फोकस इज ओनली मुस्लिम। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये ना मेरी वाणी है ना ये एआई का काम है, मोदी जी ने खुद कहा है, सैकड़ों लोगों के सामने कहा है। लेकिन अगर आप मेरे एक्स्ट्रा 2AB मोदी फॉर्मूले से अभी भी सहमत नहीं हो तो ये समझा के मुझे दिखा दो। पॉजिटिव वाले मोदी ने चैलेंज किया है कि उसके रहते हुए धर्म के आधार पर देश नहीं बटेगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। तो अब बोलो, अगर जिसको सुना वो मोदी है
तो ये बहरूपिया कौन है बताओ? भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। हाँ, अब आप मुझसे कहोगे हाँ हाँ तो ठीक है, एक इंसान है, अलग जगह अलग अलग बयान दे दिया, लेकिन आप मुझे बताओ इतनी कंसिस्टेंसी से और इतने बड़े लेवल पर अलग अलग बयान कोई इंसान दे ही नहीं सकता, मैं मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये भी सब आपको, मुझे सबको मालूम है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सालों से दशकों से यह मुद्दा चले आया है, 500 साल बाद रामलला वापस आए हैं भव्य मंदिर में। हाँ अब ठीक है, इसका क्रेडिट तो लेंगे ही, पॉलिटिक्स है, इसीलिए शायद मंदिर पूरा बनने से पहले ही, इलेक्शन डेट आने से पहले ही, ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन पॉजिटिव मोदी का ठोस मानना है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा है ही नहीं। सुनिए पॉजिटिव एंगल सुनिए, राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव मोदी की अच्छी बात है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का मान रख रहे हैं, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर आप या दूसरे धर्म के बारे में बात करके, उनके बारे में टिप्पणी करके वोट नहीं मांग सकते हो। अच्छी बात है, लेकिन फिर ये नेगेटिव मोदी फिर से एंट्री मार देते हैं और राम मंदिर के नाम पर 400 सीट मांगते हैं, इतनी नीची हरकत। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। देख रहा है एडिटर कैसे राम मंदिर इधर से उधर हो रहा है, वोट मांगा जा रहा है, लेकिन नहीं, आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो कि ये दो लोग नहीं है। अरे अगर ये चमत्कार आपको अभी भी रियलाइज, पहले पहले रियलाइज हो रहा है, अच्छा आप अभी रियलाइज कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके दिमाग में व्हाट्सएप का ताला लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप हमारे देश के पॉलिटिक्स को देख रहे हो, अगर आपने मोदी जी को स्टडी किया है, तो मैं ये बता सकता हूं कि सालों से ये दो दो मोदी काम किए आ रहे हैं, अभी नई बात नहीं है, सालों से। एक मोदी जो मनमोहन सिंह को ललकारते थे, उनको धुतकारते थे कि चाइना को सबक सिखाओ, चाइना को लाल आंख दिखाओ, सुनिए इस मोदी जी को। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। यही दूसरे मोदी की बात सुनिए, उनकी तो सोच ही अलग हो गई है, बड़ा प्रैग्मेटिक हो गए हैं, या भीतू कह लीजिए, लाल आंख तो दूर की बात है, चाइना का नाम भी नहीं लेना चाहते अपने जबान से, गालवान में हमारे जवानों की जान जाने के बाद भी नाम ना लिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। एक वो मोदी था जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की रखवाली की बात करता था, सीबीआई की पोल खोलता था और उसको सरकार का पिट्ठू बोलता था, एकदम बेटूक बात करता था कि सच्चाई क्या है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की। ये ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए हैं। और जब महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, अभूतपूर्व बंद करके दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी और तब जाकर के बौखलाई हुई, हर मोर्चे पर विफल सरकार ने विरोधियों पर निशाना ताकने के तहत सीबीआई का पूरी तरह राजनीतिकरण करते हुए, सीबीआई का मिसयूज करते हुए, गुजरात के विकास में अग्रिम हरोल में काम करने वाली सरकार को, गुजरात की विकास यात्रा को अनेक संकटों में घेरने का एक षड्यंत्र किया है, साजिश किए हैं। आज जब सीबीआई मोदी को रिपोर्ट करता है तो वो बिल्कुल आजाद पंछी बन चुका है, जिसपे सरकार किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगाता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। बताइए सीबीआई बनाया क्यों? उनका दायित्व है, सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए।
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तो छोड़ो, पॉलिटिकल करप्शन जैसे जटिल मुद्दे पर भी हमने साफ प्रमाण देखे हैं कि हमारे देश में दो मोदी हैं। एक मोदी जिसने करप्शन के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस का एकदम एक रवैया अपनाया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फुल स्टॉप। वो वाला मोदी जिसे पूरे देश ने एकदम चाहा, जिसके लिए वोट किया। अरे भैया, करप्ट पतियों, पूंजीपतियों, करप्ट नेताओं, अरे सबको टारगेट किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। लेकिन लगता है उस वाले मोदी को किसी ने गायब कर दिया। ये जो दूसरा वाला मोदी है, इसको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र को तो अपनी मुट्ठी में रखना है, तो एनसीपी को अपने साथ करना हो, चाहे एनसीपी को तोड़ना ही पड़े। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो दूर की बात है, ये तो अजीत पवार को ही खा गए, जिनके ऊपर इतने सारे करप्शन एलिगेशन थे, और जो एनसीपी चाहिए था अपने पास रख लिया और बोला बाकी एनसीपी नकली एनसीपी चले गई कांग्रेस के पास। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। बहुत सारे ऐसे और भी कोर मुद्दे हैं जहां दोनों मोदी आंख से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकते हैं। संसद में मोदी ने साफ तौर पर कहा, ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, ये एकदम बेकार चीज है, ये आंदोलन जीवी के वो खिलाफ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी। लेकिन संसद से बाहर स्पीचेस में, यहां तक कि अपने वेबसाइट में बार बार दोहराते रहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ था, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हुआ था, वो आंदोलन से ही हुआ था। यहां तक कि बांग्लादेश के फेवर में आंदोलन कर चुके हैं हमारे आंदोलन जीवी मोदी जी। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। अब तो यकीन हो गया ना, ये अलग अलग दो मोदी हैं, अलग अलग इंसान है। एक इंसान एक ही टाइम पे इतने अलग अलग बयान दे ही नहीं सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे नहीं नहीं भाई एडिटर, ये हिपोक्रेसी नहीं है। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी से ये फकीरी प्रो मैक्स चल रहा है। ये अलग इंसान है। और अच्छा चलो, अभी भी नहीं मान रहे हो, दो तीन और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद तो भैया कहानी खत्म, अगर उसके बाद भी आप ना समझे। हाँ, अब मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तो आपको मालूम है, इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एड से लेकर स्पीचेस तक बेटियों के सम्मान के बारे में बताया गया है। और बलात्कारियों को कितनी जल्दी फांसी मिलेगी ये भी मोदी जी ने एकदम क्लियर बोल के रखा है। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माता शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी। भाई देश ने तो सच्ची में समझा कि अब तो अच्छे दिन आ गए बेटियों के लिए। लेकिन जब अपने दोस्त मित्र आते हैं, पता नहीं मोदी जी को क्या हो जाता है, हैं? जेडीएस की जब बात आई तो दूसरे वाले मोदी आए, मोर्चा संभाल लिए। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जानते हुए भी, उसके कांड के बारे में जानते हुए भी उसका भर भर के प्रचार किया। क्यों मोदी जी, दूसरे नेगेटिव मोदी जी, आपने ऐसा क्यों किया? नेशन वॉन्ट्स टू नो। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। और अगर तब कुछ नहीं कर पाए तो अब कुछ कर लो, रेड कॉर्नर नोटिस दे दो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दो, रॉ को जर्मनी भिजवा दो, वैसे में भी दूसरे देश में भिजवाते रहते हो। लेकिन इस मामले में अब ये जो दूसरे वाले मोदी जी हैं, बिल्कुल चुप्पी है। अब ना बेटी है ना बचाओ है, अब तो सिर्फ प्रबल रेवन्ना को बचाओ है, हैं? अच्छा वैसे चुप्पी से एक और चीज याद आई, नौकरियों पे भी चुप्पी है। कुछ साल पहले जो हमारे पॉजिटिव वाले मोदी जी थे, वो क्रांति की एक लहर लेकर आए थे, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का वायदा किया था, पूरा का पूरा प्लान था उनके पास। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे,
लेकिन आज नेगेटिव वाले मोदी जी को देखो, अरे ऊटपटांग लॉजिक लगाते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं, पकोड़े तलवाते हैं हमसे। अरे लॉजिक का पकोड़ा तल दिया भाई। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब तो सहमत हो, अब तो मेरे साथ सहमत हो कि ये दो अलग अलग मोदी हैं। एक जो कहता है कि किसानों का कर्जा माफ होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे भाइयों बहन। और दूसरा जो कहता है कि कर्जा माफ करके कुछ नहीं होता है। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। एक जो आधार कार्ड के खिलाफ साफ जनसभा में बोलता है, लोगों को भड़काता है, और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? दूसरा जो आधार कार्ड के फायदे गिनवाता है और पूरा का पूरा क्रेडिट भी ले जाता है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। एक जो FDI के साफ खिलाफ हुआ करता था, प्रधानमंत्री मैं एक और सवाल गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, ये विदेशों से भारत में व्यापारी बुलाने का जो आपने खेल खेला है, छोटे व्यापारी यहाँ घुसने वाले हैं, सारे व्यापारियों की दुकानें बंद होने वाली है देश के। दूसरा जो FDI का पोस्टर बॉय बनकर बैठा है, और विश्व के व्यापार व्यवसाय को विस्तार करने वाले लोगों के मैं कहता हूं, भारत एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये दो FDI की परिभाषाओं को लेकर के उस दो पटरी पर हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक मोदी जो इतना उदारवादी और प्रैक्टिकल है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसने साफ साफ कहा कि गौ रक्षा के नाम पर एंटी सोशल लोगों ने अपराध किया है, उसको धंधा बना के रखा है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौ रक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौ रक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। गौ रक्षकों ने हत्या पर हत्या की, लेकिन प्रधानमंत्री इनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कोई शोक इन्हें नहीं होता है। हाल ही में हमने एक और मोदी भी देखा, भावुक वाला मोदी, सेंसिटिव, हृदय करुणा से भरा हुआ मोदी। हो सकता है कि हम गलत हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा मोदी भी हो सकते हैं इस दुनिया में, हर जगह मोदी, मोदी का मल्टीवर्स। इसीलिए एक मोदी ने शायद बचपन में एलिगेटर पकड़ा, दूसरे ने हिमालय में तपस्या की, तीसरे ने डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफी की, चौथे ने वर्ल्ड टूर किया, पांचवें ने सरहद पर सैनिकों का साथ दिया, छठे ने स्टेशन पे चाय बेची। इतने सारे मोदी के किस्सों का एक ही तो राज हो सकता है कि मोदी एक नहीं अनेक है, वो हर जगह है, हमारे आसपास है, हमारी टीवी में इंटरव्यू के माध्यम से, हमारे फोन में पेगासस के सौजन्य से, आपके घर के सामने वाले होर्डिंग पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दम पे, आपके बगल वाले पुलिस के थाने पे अपने पहुंच से, और आपके फोन पे घुस घुस के हर दिन व्हाट्सएप चैट पे, हर जगह मोदी। और इससे मल्टीवर्स ऑफ मोदी को हराना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन तब भी मल्टीवर्स वाले मोदी को भी डर तो लग रहा है, मुस्कुराहट तो थोड़ी कम हुई है, पश्चाताप भी हो रहा है थोड़ा, और इमोशनल गेम भी खेला जा रहा है। मल्टीवर्स ऑफ मोदी को क्या होगा ये तो फाइनली 4 जून को ही पता चलेगा बॉक्स ऑफिस में, मेरा मतलब है जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात तो हम समझ लेते हैं, इस बात पर और छानबीन होनी चाहिए, CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हमारे देश में मोदी हैं कितने, एक, दो या मल्टीवर्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई,